I'm not sure.
Yeah.
Bye.
दिया गया है। तो यहाँ पर पहली बात, जो चुने हुए लोग हैं, हम उनके विषय में थोड़ा सा देखेंगे और मैं आपका ध्यान पहला कुरिन्थियों और उसका एक अध्याय और 26वीं आयत में ले जाऊंगा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन बुलाएगी। यहां पर प्रेरित पौलुस जब कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए जब इस पत्री को लिखता है तो यहां पर कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाने जाने को तो सोचो। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में भी देखें तो उनमें से परमेश्वर ने अलग अलग जगह से और अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोगों को चुना। उनमें हमने ये नहीं देखा कि वो बहुत तगड़ा पहलवान था और कि और बहुत सारे ऐसे एडवोकेट थे या कोई इंजीनियर था, इस प्रकार से परमेश्वर ने नहीं बुलाया। परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, यानी जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है या अपने ऊपर जो ये समझता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं लोगों को बदल सकता हूं और मेरे पास बहुत बुद्धि ज्ञान समझ, यानी जो जिसको हम क्या कहते हैं, जो पहले से प्रसिद्ध व्यक्ति है या सिद्ध पुरुष जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार के लोगों को परमेश्वर ने यहाँ पर नहीं चुना। अगर हम आगे देखेंगे तो परमेश्वर ने किसको किस लिए चुना है उसके लिए हम आगे देखेंगे। अगर हम यहाँ पर 28 को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है वो व्यर्थ ठहराए, ताकि यानी यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भी चुना, कैसे लोग, यानी जो है जिनका अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई नाम कोई नेम फेम कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को इसलिए चुना कि जगत के ज्ञानवानों को क्या कर सके, लज्जित कर सके। मेरे प्रियो, मैं आज की जो यशायाह की नबी की पुस्तक उसका 52 अध्याय और 1-6 तक का जो आज का बाइबल का पाठ था, मैं आपका ध्यान उधर लेके जाऊंगा और यहाँ पर हम मैं आपका ध्यान 2 आयतों पर ले जाऊंगा, 6 और 7 पर। तो पहली आयत हम 7 को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है। आमीन। जो शांति की बातें सुनता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। यानी पहली बात जो यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है वह इस बात को जाने कि परमेश्वर हमारा उद्धारक। प्रेज गॉड। और यहाँ पर पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर ने जो उसके चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर मुझे और आपको जब प्रभु यीशु मसीह ने चुना है अपनी सेवा के लिए। कई दफा क्या होता है, कई बार हम लोग चर्च में भी जाते हैं, कई बार हम प्रार्थना भी करते हैं और कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें हमारे प्रार्थना के द्वारा चंगाइयां भी होती है और बहुत सारे लोग विश्वास में भी आ जाते हैं। लेकिन ये ना सोचे कि शायद आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका मतलब ये नहीं कि आप चुने हुए लोग। चुने हुए लोग यानी परमेश्वर जो उद्धार पाए हुए लोग होते हैं वो चुने हुए लोग होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस समय इस वचन के अनुसार ये बताना चाहता है कि जब मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हमारे अंदर परमेश्वर जो मुझे और आपको सिखाता है कि लोगों के लिए क्या है, प्रार्थना करो। वो जो खोई हुई भेड़ है उनके लिए आप क्या करो, प्रार्थना करो। उन लोगों के लिए तरस खाओ, यानी आप तो बचाए गए हैं, आप सुरक्षित किए गए हैं, लेकिन जो लोग नाश की ओर जा रहे हैं, क्या आज आपके अंदर और मेरे अंदर वो दर्द है, वो पीड़ा है? क्या मैं और आप उस पीड़ा को महसूस करते हैं जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह लोग अपने लोगों के लिए रोते थे, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, अपने लोगों के लिए उपवास करते थे? चुने जाने का मतलब ये है, अगर मैं और मैं अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर लेके जाऊं तो यहाँ पर 11 खिलाड़ी होते हैं और 11 खिलाड़ी यहाँ पर कोई खिलाड़ी किसी को सिलेक्ट नहीं करता है और यहाँ पर सिलेक्टर होते हैं जो उनको चुनते हैं और जब वो जीतते हैं तो पूरी टीम का नाम होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि हमें जो चुनने वाला है वो हमारा परमेश्वर स्वयं है। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं, वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बचाया है, जो हमारा उद्धारक परमेश्वर है, वो चाहता है कि आप केवल स्वयं, यानी अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको क्या सिखाता है, जाओ और सुसमाचार सुना। प्रभु चाहता है कि उस शुभ संदेश को मैं और आप, मेरा और आपका चुने जाने का मकसद क्या है, क्यों प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, क्यों? अगर मैं और आप अपने आप को देखें, हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्या है, आई थिंक नथिंग। मैं जब देखता हूं तो कुछ नहीं है, हम किसी कोने में भी नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें वहां से उठाया है और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हो सकता है वो चीजें उसके लिए हम योग्य भी ना, फिर भी परमेश्वर ने मुझे और आपको वहां पर रखा है। तो परमेश्वर, जब मैं बैन हार्ट की टेस्टिमनी को सुन रहा था, वो कचरे के डब्बे से खाना खाता था। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है और आज वो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर का प्रचार करते हैं और विभिन्न संस्थाओं को चलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो मेरा और आपका उद्धारक परमेश्वर है, अपनी कॉल को समझे। जब परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, उस बात को समझे, शिथिल ना रहे, क्योंकि शिथिलता परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार के लिए नहीं। जब मैं और आप इस संसार के ऐश और आराम के लिए अगर देखेंगे, इस संसार की आईसी को देखेंगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए नहीं चुना है, इसलिए नहीं चुना है कि हम
बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में इस प्रकार से पर कि परमेश्वर ने मुझे और आपको उन अनुभवों को जो हमारा स्वयं का अनुभव था कि परमेश्वर सिखाना चाहता है कि आपका जो वास्तविक जीवन था वो क्या था, लेकिन आज आप कहाँ पर है। तो परमेश्वर ने जब इस प्रकार से आपको और मुझे चुना है तो प्रभु कहता है कि मेरे लोगों को बचाओ जो नाश की ओर जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें सुसमाचार सुनाओ, उन खोई हुई आत्माओं को बचाओ, ताकि ये जो संसार है, ये जो 21 सेंचुरी है, आप सब लोग जानते हैं कि ये जो एक ऐसा समय है जिस समय केवल व्यक्ति अपने स्वार्थ से ही स्नेह करता है, अदर किसी चीजों से उसे कोई लेना देना नहीं है। आज दो व्यक्ति आसपास में बैठे रहते हैं लेकिन उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में डूबा हुआ है, वो स्वयं की सोचता है। लेकिन प्रभु कहता है मेरे प्रियो जब जाओ अपने उद्धार को यू ही न गवाओ। और फिर मैं आपका ध्यान 6 पे लेके जाऊंगा, इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वहां उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। मेरे प्रियो परमेश्वर दो बातें, यानी यहाँ पर जो भी बातें हमने ऊपर पढ़ी कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुख समाचार लाता है, यानी परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, परमेश्वर जो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है, वो कोई और नहीं है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर वचन साफ कहता है कि अगर आप यशायाह नबी 52 का अगर 6 पद आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा कि इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। प्रजा हम लोग जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर ईमान लाते हैं, उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो सी, परमेश्वर कहता है देखो, आंखें बंद मत करो, आप जानबूझ करके आप सुन तो रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे। परमेश्वर कहता है कि आंखें खोलो अपनी, देखो एक बार, वो मैं ही हूं। आमेन। और परमेश्वर का वचन हमें ये साफ रीति से बताता है कि मेरे प्रियो अपनी नींद से जगो, देखो, सोए मत रहो, क्योंकि परमेश्वर और आपको जगाने के लिए स्वयं खड़ा है और कहता है कि ये तुझे बुलाने वाला कोई और नहीं है, तुझे चुनने वाला कोई और नहीं है, मैं स्वयं हूं। वो केवल मैं ही हूं जिसने तुझे बुलाया है, जिसने तुझे चुना है। और अगर हम वचन संहिता में जाते हैं तो वचन संहिता 23 जो आज का बाइबल पाठ है, हम सब लोग इस वचन से भली भांति परिचित है और कई दफे आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आपको बाय हार्ट भी ये याद होगा। इस बात को जाने कि परमेश्वर हमारा चरुआ है। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यानी परमेश्वर हमारा क्या है, चरुआ है। चरुआ एक का काम क्या होता है, अगर इसको जानना है तो आप प्रकाशित वाक्य 7:17 मैं आपके लिए पढ़ लूंगा, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। पहली बात जो चरुआ होता है, आप सब लोगों ने शायद, जो लोग नहीं भी समझते इस बात को, जिसने गाय भैंस बकरिया भेड़ चुंगाई होगी वो समझ सकता है कि किस प्रकार से अगर हमारा भेड़ बकरियों में से जब शाम के समय जब घर आते हैं कोई भी पशु अगर आपका मिस हो गया है तो आपको आप लोग चिंता में पड़ जाते हैं। और अगर आपका कोई पशु अगर बीमार पड़ गया है तब आप लोग चिंतित हो जाते हैं, अगर वो नहीं कुछ नहीं खा रहा है तब भी आप चिंतित हो जाते हैं, वो कमजोर पड़ जाता है तब भी आप चिंतित हो जाते हैं। मेरे प्रिय चरवाही का मतलब केवल यहाँ पर चुंगारा नहीं है, चरवाही का मतलब ये है कि वो उनकी रखवाली करता है। और मेरा और आपका परमेश्वर जो सिंहासन के बीच में है वो मेरी और आपकी रखवाली करता है। वो परमेश्वर मुझे और आपको एक चरवाही किनाई हर समय हर वक्त ताक रहा है, वो हमारे मध्य में है, वो देख रहा है कि मेरा बेटा मेरा बेटी अभी कहां पर है, ये किस समस्या में है। वो परमेश्वर उस समय से
लेकर अभी तक जब मैं और आप इस पृथ्वी में आए, जब शायद मैं और आप उस परमेश्वर के नाम को भी नहीं जानते थे, तब से लेकर अभी तक भी वो परमेश्वर मेरी और आपकी रखवाली कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्वयं मेरी और आपकी रखवाली कर रहा है और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा। आमेन। मेरे प्रियो, अगर आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर नीचे जो बी में लिखा है, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, यानी कंटिन्यू परमेश्वर आपको वहां पर उस जीवन रूपी जल के सोते के पास, जरवाया जो हमारा जरवा है वो परमेश्वर मुझे और आपको जीवन रूपी जल, यानी वो जल जिससे मैं और आप कभी प्यासे नहीं होंगे, वो जल जो मेरे और आपके जीवन को अंधकार से बाहर निकालेगा, वो जल जो मेरे और आपके अंदर के अहम को बाहर फेंकता है, वो जल जो हमारे अशुद्धता को शुद्ध करता है। आप ज्यादातर अगर हम देखते हैं पानी का इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा किस लिए करते हैं, गंदगी को धोने के लिए। हम जब कुछ भी कहीं पर भी अगर हमारे कपड़ों पे, हमारे शरीर पे, हमारे हाथों पे अगर कुछ भी गंद लग जाती है तो सबसे पहले हम जल का इस्तेमाल करते हैं। वो परमेश्वर वो लहू है, वो परमेश्वर वो जल वो पवित्र लहू है जो मेरे आपके अंदर से उन सारी गंदगियों को, उस सारे कष्ट को, उन सारी चिंताओं को, उन सारे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं यहाँ पर कह रहा है कि जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, यानी परमेश्वर आपको लगातार परमानेंट ले जाने के लिए परमेश्वर कह रहा है, हमारे ये तैयार है, क्योंकि वो हमारी रखवाली कर रहा है, क्योंकि वो हमारा जरुआ है। और अगर हम भजन संहिता नहीं पढ़ते तो अगर कोई भी मेरे लिए प्याइस निकालेंगे भजन संहिता, और उसका दूसरा पद, कोई वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वहां मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वहां मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको हरी हरी चराई, यानी आपके जो एनिमल्स हैं, आई थिंक वो सबसे ज्यादा जो लड़ाई करते हैं वो ग्रीन ग्रास करते हैं, लीव्स करते हैं, यानी हरी घास पत्तियां वो ज्यादा पसंद करते हैं खाने के लिए। और परमेश्वर मुझे और आपको वहीं पर, कहने का मतलब क्या है, ये वचन जो मुझे और आपको जो सिखाना चाहता है, जो सिखा रहा है, यानी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की, परमेश्वर मुझे और आपको यही बताना चाहता है कि जितना भी आपके जीवन में आनंद की जो भरपूरी होगी ना, परमेश्वर वो सारे चीज देने के लिए परमेश्वर तैयार है। स्वयं परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो हमें ऐसी चराई में बिठा देगा जहां पर हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम अपने आगे पीछे इधर उधर ताकेंगे तो चारों तरफ हमें वो हरियाली, यानी जो हमारी नीड है, वो परमेश्वर ने ऑलरेडी मेरे और आपके आसपास रखी हुई। और प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम तीन में देखते हैं, वहां मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, यानी सब परमेश्वर, मैं और आप कई बार जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के संग संग चलते हैं, प्रभु की सेवकाई में रहते हैं, मेरे प्रियो जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफों का सामना आपको करना पड़ता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो फिर से मेरे जी में जी ले आता है, यानी हमारी निराशा में भी परमेश्वर की आशा हमारे जीवन में काम करती है। और जब हम ये सोचते हैं कि हम क्या हैं, हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारे संग कोई नहीं है, वहां पर स्वयं प्रभु आपके साथ खड़ा है। वो चरवा है जो आपको भेड़ियों से, वो चरवा है जो आपको शेर से, बाघ से,
और ऐसे खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए परमेश्वर आपकी चारों तरफ फेरेदारी करता है। मेरे प्रियो, घबराना नहीं है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर हमारा, क्योंकि जब उसने मुझे और आपको चुना है तो उसने किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपको और मुझे चुना है। तो परमेश्वर कहता है कि जब मैंने आपको चुन लिया है, जब एक प्लेयर जब किसी फील्ड में खेलता है, जब वो सिलेक्ट हो जाता है, तो उसे कई बार उसे क्या होना पड़ता है, निराश होना पड़ता है। कई बार वो पहली बॉल में आउट हो जाता है और कई बार वो डबल सेंचुरी बना लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहली बॉल में आउट हो गया तो वो निराश हो गया, हताश हो गया और वो टीम से बाहर हो गया। नहीं, उसे चांस दिया जाता है, वो फिर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। और जब वो डबल सेंचुरी मारता है तो न्यूज़पेपर के ऊपर हाईलाइट होकर के और मीडिया में वो क्या पॉपुलर हो जाता है, लोगों के दिलों में छा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जीवन में आप जब आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रगल तो आना ही है, समस्याएं तो आना ही है, क्योंकि मसीह जीवन दरअसल में ऐश और आराम का जीवन नहीं है। मसीह जीवन कठिनाइयों का है, मसीह जीवन विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना है, मसीह जीवन रोना है, कराना है। लेकिन मेरे प्रियो, ही सिर्फ इस पृथ्वी पर है। लेकिन जब मैं और आप इस परीक्षा को पास करके जब परमेश्वर के पास जाते हैं, वहां पर जो सुकून आप महसूस करोगे, जो आनंद आप अपने जीवन में महसूस करोगे, वो जो स्ट्रगल आपने इस संसार में किया था, जो कठिनाइयों का सामना आपने संसार में किया था, जब आप उन सारे रिवॉर्ड को जब प्रभु आपके सामने दिखाएगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, देखो आपकी कठिन परिस्थितियों का, कठिन परिश्रम का जो प्रतिफल है, देखिए वो रखा हुआ है, जाइए उसका आनंद लीजिए, तब आपको कैसा महसूस होगा। तब आप महसूस करेंगे कि हाँ प्रभु, कठिनाई तो थी लेकिन आज मैं उस चीज को समझ पा रहा हूं, क्योंकि वो परमेश्वर है जो मेरे और आपके लिए यहाँ पर इस पृथ्वी में स्वयं आया, और उसने स्वयं को एक ऐसा एग्जाम्पल प्रदर्शित किया कि एक परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने शरीर में ठंड, दर्द, हवा, पानी, ये सब महसूस किया जो एक मनुष्य करता है, जबकि वो तो ईश्वर है, सब कुछ बनाने वाला है, उसके एक शब्द से क्या नहीं हो सकता। लेकिन उसने इन सारी चीजों को महसूस इसलिए किया कि मैं और आप जो हैं, मैं और आप जो उस परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, वो उस बात को समझे, वो उस बात को जाने। आज बहुत सारे लोग इस घमंड में रहते हैं कि हमारे पास किस चीज की कमी है, हमें किस बात की चिंता है। मेरे प्रियो, ये क्षण भर का है, कुछ समय बाद चुटकी बजनी और आपका जीवन खत्म हुआ नहीं। लेकिन जो हमारा अनंत काल का जो जीवन है, यहाँ पर भले कि हमारी परिस्थितियां विकट हो सकती है, हमारा जीवन कठिन कठिनाइयों का हो सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, वहां पर ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी और वहां पर परमेश्वर का आनंद और वहां पर हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। ओके, तीसरी बात, इस बात को जाने कि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। अब इसके लिए आप मेरे साथ निकालेंगे पद को, मैं आपके लिए यहां पर पढ़ूंगा, सॉरी, हाँ 6 का B मैं यहां पर पढ़ूंगा आपके लिए, पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और 6 का B पाठ मैं यहां पर आपके लिए पढ़ूंगा। देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति लज्जित नहीं होगा। यानी यहाँ पर हम कई बार इस वचन को सुनते हैं, जिसे राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन
एक ऐसे पत्थर को चुनता है और कहता है कि देखो मैं सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, यानी वो ऐसा पत्थर है जिसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा पत्थर यानी वो बहुमूल्य पत्थर का जो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह जिसे संसार ने तुच्छ जाना था, जिसके ऊपर लोगों ने थूका, जिसको लोगों ने कूड़े मारे, वो परमेश्वर, हमारा महान परमेश्वर जो है वो खुदाबंद यीशु जिसने मौत को भी हरा दिया, वो परमेश्वर जो अपने वायदे के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बहुमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है वो ऐसा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, और प्रभु कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति लज्जित नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो चुना हुआ जो बहुमूल्य पत्थर है, यानी मैं और आप भी हो सकते हैं कि इस दुनिया के द्वारा हम नकारे गए हैं, हो सकता है मैं और आप अपने आप से कई बार निराश हो जाते हैं, हो सकता है लोग हमें निम्न श्रेणी के या नीच जाति के समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मैंने और आपने जब पढ़ा तो वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने मूर्खों को ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए चुना है, यानी जो लोग कुछ भी नहीं थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, उन लोगों को प्रभु ने चुना है, और प्रभु का वचन कहता है इस बात को मैं और आप जाने, मेरी और आपको चुनने वाला कोई और नहीं है, अगर मैं और आप यहाँ पर चुने गए हैं तो परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों चुना है, किस वजह से चुना है, मेरे प्रियो उस वजह को समझे, अपनी बुलाहट को समझे कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, ये ना सोचे कि मुझे मेरे भाई के द्वारा यहाँ पर भेजा गया, ये ना सोचे कि फलाने चाचा के द्वारा मुझे यहाँ पर भेजा गया है, ये ना सोचे कि वो व्यक्ति अगर नहीं होता उस व्यक्ति के द्वारा मैं आज यहाँ पर हूं, नहीं, आपको चुनने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैंने तुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन रखा है, यानी परमेश्वर ने मुझे और आपको, शायद मैं और आप उस परिवार का हिस्सा भी नहीं थे इस संसार में, ना हमारे माँ थे, ना बाप थे, ना दादा थे, शायद और उनके दादा परदादा रहे होंगे, उससे पहले से ही परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन रखा है, मेरे प्रियो तो परमेश्वर की बुलाहट को समझें, वो परमेश्वर मेरा और आपका चुनने वाला परमेश्वर है, और लास्ट और अंतिम बात, हम अनंत काल के जीवन के लिए चुने गए हैं, हम केवल इस पृथ्वी के लिए नहीं चुने गए हैं, हम अनंत काल के जीवन के लिए चुने गए हैं, प्रेज गॉड, और इसमें आप मेरे साथ निकाल सकते हैं योहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 47 पद मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, यहाँ पर लिखा है योहन्ना 6:47-59 तक जो आज का बाइबल पाठ था समाचार का, उसमें मैं आपका ध्यान 47 में ले जाऊंगा, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसी का है, आमेन। यानी जब मैं और आप विश्वास करते हैं उस महान परमेश्वर जो ये लोग हैं, प्रभु यहाँ पर मैं मेरे से और आपसे आज यही बात करना चाहता है कि वो परमेश्वर पर जो विश्वास करेगा, वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, यानी मैं और आप अगर प्रभु के पीछे ही, जब उस परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे और आपको चुना हुआ है, वो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि हम अनंत काल के जीवन के लिए चुने गए, हम केवल आज के लिए नहीं चुने गए हैं, कुछ अवधि के लिए नहीं चुने गए हैं, लेकिन हम अनंत काल के जीवन के लिए चुने गए हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।